लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है वहां पर चुनाव प्रचार आज थम गया। लगातार बड़े नेता चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते रहे। देश भर की तमाम सीटों पर जो चुनाव प्रचार है उसने रफ्तार पकड़ ली है और पहले चरण की बिहार की 4 सीटों पे 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। नवादा, जमुई के अलावे गया और औरंगाबाद में मतदान होना है। ये 4 ऐसी सीटें हैं जो फिलहाल एनडीए के कब्जे में हैं। इन सीटों में से औरंगाबाद और गया की सीट जो है वहाँ पर मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। साथ ही साथ जमुई में और नवादा सीट पर भी उम्मीदवार एक दूसरे के सामने पूरी ताकत ठोक रहे हैं, अपनी अपनी जीत के दावे हैं सबके। मोदी ने 4 अप्रैल को बिहार में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया था। जमुई सीट पर सबसे पहले उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद प्रधानमंत्री 7 अप्रैल को नवादा भी पहुंचे थे। इसके बाद 16 अप्रैल को उन्होंने गया में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये तमाम वो सीटें हैं जो पहले चरण में वोटिंग के अंदर आती हैं। प्रधानमंत्री ने 16 अप्रैल को ही पूर्णिया, जो दूसरे चरण में जहां मतदान है 26 अप्रैल को, वहां भी चुनाव प्रचार किया था। इसके अलावा अमित शाह भी बिहार दौरे पर आए। पहले चरण की जो औरंगाबाद सीट है वहां पर अमित शाह का भी दौरा हुआ, उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। औरंगाबाद और नवादा में योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। जमुई सीट पर राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो जनसभा है चुनावी उसको संबोधित किया। मतलब दिग्गजों क्या पूरा दमखम दिखा है पहले चरण की सीटों पे। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ जमुई और नवादा की जनसभाओं में नजर आए थे। हालांकि गया और पूर्णिया की जनसभा में नीतीश मौजूद नहीं रहे, लेकिन इसके अलावे नीतीश ने नवादा में, गया में दूसरे चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया है। उनका रोड शो भी हुआ है। चिराग पासवान लगातार कैंपेन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी और दूसरे नेताओं का कैंपेन हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई दिग्गज चेहरा चुनाव मैदान में प्रचार के लिए नहीं उतरा है। 19 अप्रैल को जब 4 सीटों पर बिहार में वोटिंग हो रही होगी, तब जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो चुनाव प्रचार करते आएंगे, नजर आएंगे सीमांचल के इलाके में, और वहां पर उनकी पहली जनसभा होनी है। राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं, लेकिन अब तक उनके कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहा जा रहा है। अब स्थिति यह है कि जो तमाम प्रचार में नेताओं ने अपनी ताकत झोंकी है, उनका पहला लिटमस टेस्ट होना है इन 4 सीटों पे। इन 4 सीटों में एनडीए के लिए साख दांव पे लगी है और महागठबंधन के लिए, खोने के लिए महागठबंधन के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन 4 सीटों पे फिलहाल एनडीए का ही कब्जा है। थोड़ा समीकरण पर जोर डालते हैं और आंकड़े जो हैं वो क्या हैं ये आपको बताते हैं। जमुई सीट पर खुद चिराग पासवान सांसद हैं तो वो एनडीए के अंदर आते हैं। इसी तरह नवादा सीट पहले उन्हीं की पार्टी की हुआ करती थी, चंदन सिंह यहाँ से सांसद थे, वह बीजेपी के कोटे में गई है। ये सीट भी फिलहाल एनडीए के कब्जे में है। गया सीट पर पहले जेडीयू के सांसद थे, अब जीतनराम मांझी लड़ रहे हैं, ये सीट भी एनडीए के कब्जे वाली सीट है। और साथ ही साथ औरंगाबाद की सीट जहाँ से एक बार फिर से बीजेपी के सुशील कुमार सिंह उम्मीदवार हैं। मतलब
बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने चुनौती है कि वो अपने प्रदर्शन को दोहराए और इन चार सीटों पे फिर से कब्जा करे, जबकि अगर किसी एक सीट पर भी आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से सेंधमारी हो जाती है तो ये अपने आप में उनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जनता तय करेगी, लेकिन जो आंकड़े हैं वो हमने आपको बताया। तेजस्वी यादव 50 से ज्यादा जनसभाएं कर चुके हैं, 50 लगभग उन्होंने जनसभाओं को किया है। लालू यादव आज सारण के दौरे पर गए हैं, लेकिन पहले चरण की किसी भी सीट पर उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया है। कांग्रेस का कोई दिग्गज चेहरा नहीं दिखा है, जबकि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ के अलावे बिहार के बड़े नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी रखी। जनता किसे जनादेश कैसे देगी ये वक्त बताएगा 4 जून को जब मतगणना होगी, लेकिन फिलहाल पहले चरण के लिए चुनावी शोर थम चुका है और बिहार की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता 19 अप्रैल को करेगी। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।